हेलो एंड वेलकम इन टुडे सेशन. आई एम मेंटर अभिदा शेख. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. देखिए आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है. आज हम लेकर आए हैं ये है बर्निंग टॉपिक राइट. और ये पूरा का पूरा जो है स्थित है किस पे? COVID-19 पे. सभी को पता है COVID-19 क्या है. COVID-19 से क्या हुआ, पूरा का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो गया. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये बर्निंग इसलिए आता है क्योंकि यूएस ने क्या एक्सीड कर लिया चाइना को विद मोस्ट COVID-19 केसेस वर्ल्ड वाइड. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो COVID-19 केसेस देखने को मिले हैं वो मिले हैं चाइना में. बिकॉज शुरुआत ही वहीं से होती है. बट यहाँ पे ऐसे हुआ है कि पहले स्पेन ने टेक ओवर किया, फिर इटली ने टेक ओवर किया, अब पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है. यूएस डोनाल्ड ट्रंप का देश. यहाँ पर ज्यादा कंफर्म केसेस क्यों हो पा रहे हैं? देखिए यूएस ने अब तक टोटल जो रिपोर्ट किए वो रिपोर्ट किए 82,404 कंफर्म्ड COVID-19 केसेस एज ऑफ 6 PM US Eastern Time on Thursday शाम को 6 बजे टोटल जो कंफर्म केसेस मिले हमको कितने मिले हैं? 82,404 टोटल मिले हैं. और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या बन गया है? एपी सेंटर बन गया है COVID-19 के लिए. आप देखेंगे यहाँ पर सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है जॉन्स हॉपिंग यूनिवर्सिटी में इन्होंने बताया है कंफर्म करके. अब अगर आगे देखें तो कंट्री हैज सरपास चाइना को भी टेक ओवर कर लिया, उसको सरपास कर दिया है COVID-19 केसेस में अकॉर्डिंग टू द CSE. अब पूरा अगर नेशन वाइड टैली किया जाए तो जो है 10,000 केसेस मिलेंगे आपको लेस देन 5 आवर, यानी पिछले 5 घंटों में 10,000 से ज्यादा केस क्या हो गए? कंफर्म हो चुके हैं यूएस में. यानी इतनी तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है वहां पे कि 5 घंटे के अंदर आपको 10,000 केसेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे. अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, ये जो बन गया है स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क पूरे के पूरे पूरे वर्ल्ड में क्या बना है? एपी सेंटर बना हुआ है. यहाँ पे आउटब्रेक मिलता है कितना? 37,802 केसेस का जो है रिपोर्ट हुए हैं. अब वही बात अगर हो न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया की तो यहाँ पर थोड़ा सा रिपोर्ट कम है. आप देखेंगे 6,876 और 3,802 केसेस मिलेंगे रेस्पेक्टिवली. अगर कंपेयर करें हम न्यूयॉर्क को, अगर हम कंपेयर करें न्यूयॉर्क को न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया से तो कहीं ज्यादा है न्यूयॉर्क में. इनफैक्ट 5 घंटे में 10,000 केसेस कंफर्म होना, दैट इज लाइक एकदम टोटली डिफरेंट राइट. बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जबकि सबसे ज्यादा मेडिसिन भी अवेलेबल कहाँ पे है? यूएस में ही है. सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में कोई एक्सपर्ट है तो वो यूएस ही है. उसके बावजूद भी प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही, कोई ना कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है यहाँ पे. अब कोविड 19 लिंक यहाँ पे जो डेथ लिंक है यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितनी पहुंच गई है? 1,178 हो गई है. उसमें से भी 281 जो है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी से है. और उसके बाद आप देखेंगे तो 100 कहाँ मिलेगा आपको? किंग कंट्री ऑफ वॉशिंगटन स्टेट, जो वॉशिंगटन में जो किंग कंट्री है, जो सिटी है किंग कंट्री, वहां पे आपको अकेले 100 मिलेगा, 281 मिलेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में जिनकी डेथ हो चुकी है. कंफर्म केसेस की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे. अब अगर आगे देखें हम लोग तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का डेटा शो किया चाइना में इंक्लूडिंग द मेन लैंड एंड हांगकांग मकाओ ताइवान रीजन से. यहाँ पे टोटल रिपोर्ट हो रहा है 82,034 केसेस ऑफ 6 PM थर्सडे तक जो हुआ है वो 82,034 जो है वो कंफर्म हुआ है. ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको आगे दिखाऊं थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स की तरफ तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची है आपकी. ठीक है, अब यहाँ पे चाइना का जो नेशनल हेल्थ कमीशन है इन्होंने रिपोर्ट किया है 81,285 कंफर्म्ड केसेस ऑन द चाइनीज मेनलैंड में 81,000 यूएस में से कहीं ज्यादा है, लगभग दे आर अबाउट 82,000 राइट. और ये जो रिपोर्ट आई है ये आई है बीजिंग टाइम से, भी वेडनेसडे की रिपोर्ट है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 410 कंफर्म्ड केसेस है रिपोर्टेड इन दी हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. यहाँ पे जो हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में मिलेंगे आपको 30 कन्फर्म्ड केसेस. जबकि मकाओ के अनुसार में आप देखेंगे अब मकाओ और यहाँ पे ताइवान में देखेंगे कितने मिलेंगे आपको 235. अब कन्फर्म्ड जो टोटल COVID-19 केसेस वर्ल्ड वाइड रीच हो गए हैं ये हो गए 5,26,044, और यहाँ पे जो डेथ कन्फर्म हुई है वो हुई है 23,709. देखिए पूरे वर्ल्ड में 23,709 लोग मर चुके हैं ऐसा इनका मानना, जबकि डेथ रेट इससे कहीं ज्यादा है. बिकॉज चाइना का जो डेटा है चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरी तरह ऑफिशियली रिलीज नहीं किया, बहुत कुछ हिडन है यहाँ पे. अभी भी चाइना से चीजें बाहर नहीं आ पाई बिकॉज चाइना में जो है मीडिया को इतनी परमिशन नहीं होती कि ऑफिशियल डेटा रिलीज कर पाए वो कंट्री के बाहर. लेकिन एनी हाउ अगर आप देखेंगे तो यूएस ने सरपास कर लिया है चाइना को. दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज. आप समझ सकते हैं कंट्री लॉकडाउन होने के बावजूद भी इतनी तेजी से फैल रहा है जिसका कोई ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है. तो अब आगे क्या होगा दैट वी हैव नो आइडिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई टेल यू इसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में दैट विल बी मोर देन द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008.
राइट 2008 में जो आया था तो इंडिया तो वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाया, लगभग 10 साल लग गए हमको उस क्राइसिस से बाहर आने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे आप जो अब आएगा तो देन स्टिल वी हैव नो आइडिया कि हम लोग उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ पाएंगे कि नहीं। यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कब तक प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहली चीज है कि लोगों को अपने घर पे ही रहना चाहिए ताकि कोरोना वायरस जो है और ना फैल पाए, ठीक है। तो आज मैं आपका अपना करंट अफेयर यही खत्म करती हूँ, इतना ही बोलूंगी, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।